तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक वेबसाइट है जिसका डीए जो है 94 है और पीए 63 है और स्पैम स्कोर खाली 1% है। और ये देख सकते हो गाइस 25 ईयर्स पुरानी वेबसाइट है। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगा सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो जिसके मदद से आपकी रैंकिंग और ट्रैफिक में इंप्रूवमेंट होगी। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि ये चैनल जो ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है एसईओ स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पर बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर एसईओ के वीडियो सबको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। इसके अलावा गाइस जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये देख आप सबको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा गाइस ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जो है हम एक डू फॉलो बैकलिंक्स मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले गाइस इस वेबसाइट की अगर मैं डीआर की अगर मैं बात करूं जो है डोमेन रेटिंग, तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सबके सामने मैं चेक कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो गाइस आप अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। 91 इसका डीआर है और डोमेन और डीए की अगर मैं बात करूं डीए 94 है और पीए 63 है और खाली 1% स्पैम स्कोर है। और ये जो वेबसाइट जो है ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पुरानी वेबसाइट है। तो गाइस इस वाली वेबसाइट में आप बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करोगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जैसे आप अपना वेबसाइट को ओपन करोगे, वेबसाइट को ओपन करने के बाद सबसे नीचे गाइस आप देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे यूज़र का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको साइन इन का और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। मैं रजिस्टर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप मैनुअली भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या तो गाइस आप गूगल से हो गया या फेसबुक से हो गया, ट्विटर से हो गया, एप्पल से हो गया, इन आईडी से भी आप डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो। मीन साइन अप करके उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो गाइस मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी मैंने साइन इन कर लिया है। तो गाइस जैसे आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे नीचे जहाँ पे यूज़र नेम है वहाँ पे जो है व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा और उसके साथ में आपको जो है एडिट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे गाइस आपका नेम, बायो, उसके बाद ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर अपडेट कर देना, उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना। तो गाइस यहाँ पर खाली मैंने वेबसाइट मैंने अपडेट करा हुआ है और इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि नो फॉलो या डू फॉलो है। और वेबसाइट को ओपन भी करके दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे गाइस वेबसाइट ओपन भी हो रहा है। जिसने अभी तक वेबसाइट को व्यू नहीं करा जल्दी जो होगा इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि गाइस इसमें जो है आपको बैकलिंक्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा। और गाइस ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे जल्दी से एक लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगा और वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो भी आप मुझे कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच गाइस।